हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KMK यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो में मैं दोस्तों सुपर एट के जो जो मैचेस खुल गए उसका मैं आपको प्रिडिक्शन बताऊंगा, प्लस यूरो 2024 फुटबॉल का जो चल रहा है उसमें प्रिडिक्शन बताऊंगा, प्लस आपको ये दिखाऊंगा 1900 रुपये में दोस्तों। हाँ, 1900 रुपये में, 1900 रुपये में 1900 में आप 9,52,996 रुपये कैसे कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं, 12 इवेंट है, मैं आपको बताऊंगा इवेंट बाय इवेंट मेरा लॉजिक क्या है उसके पीछे, और फिर आपकी मर्जी आपको कैसे उसमें लगाना है, ठीक है, चॉइस आपकी है। लेकिन हाँ, मैं 1900 रुपये गया हूँ, उससे मेरे को ये 12 इवेंट्स हो जाएंगे तो उससे मेरे को 9,52,996.93 INR मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात है, पहला मैच है बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, 5 AM है 17 तारीख को, ठीक है। तो इसमें मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस पॉइंट्स लिया है, अनिल शाह ये नेपाल का खिलाड़ी है, मतलब बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है, 18 रन बना लेगा ऐसा मैंने सोच के उसको लिया है, या तो फिर एक कैच कर लेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको चूज़ किया है। अब श्रीलंका नेदरलैंड में ये एंगलबर्ट बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, फील्डर भी अच्छा है, आपने लास्ट टाइम भी कैच देखा होगा उसने जो पकड़ा था, ठीक है, तौहीद हृदय का, ठीक है। तो ये 21 पॉइंट पे, तो परफॉर्मेंस पॉइंट 21 पे तो आप पूरे जा सकते हो, पैसे 50,000 तक जा सकते हो, ठीक है। अब तीसरा मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पपुआ न्यू गिनी, तो उसमें पहली 3 ओवर में 14 रन नहीं बनेंगे, ये मैं गया हूँ न्यूजीलैंड वाले, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 ओवर तो ट्रेंट बोल्ट के ही है, ठीक है, पहली और तीसरी ट्रेंट बोल्ट डालेगा तो उसमें चलो मैं 4-4 रन गिन लेता हूँ, 8 रन, और बीच में दूसरी वाली साउथ ही डालता है तो उसमें भी मैं 5 रन गिन लेता हूँ, तो भी 13 रन बनेंगे, तो पर बोल्ट की 2 ओवर में 8 रन बनाना इंडिया के लिए भी मुश्किल था, ये तो PNG है, ठीक है, तो उस हिसाब से लिया है, ठीक है। अब चौथा मैच है वेस्ट इंडीज़ वर्सेज अफगानिस्तान, ये सुपर एट है दोस्तों, यहाँ पे मामला गंभीर हो जाएगा, दोनों ही टीम डट के खेलेगी, तो निकोलस पुरन जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, ठीक है, वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़्यादा चांस नहीं मिले और बहुत ही थोड़ा लाइटली लिया है उन्होंने, बाकी निक्की भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और 34 पॉइंट उसके कहीं नहीं गए बिकॉज ही इज़ द कीपर, ठीक है। अब आ जाते हैं यूरो 2024, ये फुटबॉल का है दोस्तों, ठीक है, इसमें हो सकता है काफ़ी लोग को कम नॉलेज हो, लेकिन मैं आपको इसमें भी अपना लॉजिक दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हाफ है सर्बिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया टीम है, सर्बिया मतलब ये राउंड ऑफ 16 तक पहुँची है तो कुछ ना कुछ तो होगा उन पर, तो फर्स्ट हाफ में टोटल 9 शॉट्स टुवर्ड्स द गोल होना चाहिए, 1.53 ओवर्स लिया मैंने। फिर रोमानिया वर्सेज यूक्रेन, दोनों ही इक्वल दर्जे की टीम है तो मैंने उनके थ्रो इन लिए 18.5 के ओवर। बेल्जियम वर्सेज स्लोवेकिया, उसमें स्लोवेकिया 9 बार बाहर मारेगी फर्स्ट हाफ में थ्रो इन में, क्योंकि बेल्जियम बढ़िया टीम है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने किया है इसमें, ठीक है दोस्तों। दूसरा है ऑस्ट्रिया वर्सेज फ्रांस, उसमें थ्रो इन फर्स्ट हाफ 17 हो गए, ऑस्ट्रिया भी अच्छी टीम है, फ्रांस उससे भी अच्छी टीम है, तो 17 थ्रो इन होने चाहिए। फिर टर्की वर्सेज जॉर्जिया, उसमें भी टोटल थ्रो इन फर्स्ट हाफ मैंने 18.519 लिया है, ये दोनों ही टक्कर की टीमें हैं। अब पोर्टुगल वर्सेज जैक रिपब्लिक, वो दोनों भी अच्छी टीम है इसलिए मैंने 17 थ्रो इन लिए है, और अभी जो लाइव चल रहा है उसमें मैंने लिया है रिजवान के 4 चौके नहीं लगे, अभी पाकिस्तानी इनिंग स्टार्ट नहीं हुए लेकिन 4 चौके रिजवान के नहीं लगे क्योंकि बॉल मूव हो रहा है। और स्लोवेनिया वर्सेस डेनमार्क, और आउट बिल भी स्लो है इसलिए, ठीक है, और स्लोवेनिया वर्सेस डेनमार्क ये स्टार्ट हो गया है, तो इसमें फर्स्ट हाफ 100 शॉट्स द गोल 8.5 लिया है, ठीक है, ये अभी थोड़ा लॉक हो गया था तो ये एक इवेंट आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बाकी लाइव अगर दिखाता है तो मैं आपको ऐड करके दे देता हूँ, रुक जाओ।
realistically, bowling team, 10 and 11, slam 11. Poor option. ठीक है, इसमें नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो इसको छोड़ देते हैं, ये वाला इवेंट छोड़ देते हैं आप आपके लिए, ठीक है। तो इसमें अभी हम 9 गए थे, वो भी देख लेते कितने शॉट्स हुए थे, गोल हुए, क्योंकि अभी 9 मिनट हो गए इसके, तो आपने ऐड किया कि नहीं किया, अच्छा किया कि बुरा किया, वो भी इसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई 9 मिनट में क्या हुआ है। अभी 0-0 है, तो अच्छा हुआ कि आपने ऐड नहीं किया है, समझे, मतलब 11 मिनट चले गए, अभी दोनों में से एक भी टीम ने शॉट्स नहीं मारा है, ठीक है, पर पूरे अभी 45 मिनट बाकी है, 9 हो सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गए इवेंट्स, इसमें आप करो सेव Z3LZB, ये कोड है दोस्तों, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम में भी दे देंगे, तो ये है, मैंने एक इवेंट कम किया इसलिए पैसे थोड़े कम हुए, 6,83,000, तो आप 19 से जाओगे तो 6,83,000 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर ये बढ़िया है, इसमें चांसेस और बहुत ही ज़्यादा है, और एक और इसमें सपोज ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, मेरे को एक इवेंट याद आया है, इंडिया साउथ अफ्रीका का वुमन का भी ODI चल रहा है, ठीक है, उसमें अपन दीप्ति शर्मा के परफॉर्मेंस पॉइंट्स ले सकते थे लेकिन खुला नहीं मैंने, तो ठीक है छोड़ दो अभी इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये था, मैंने खुद देखिए 1900 लगाया है, ठीक है दोस्तों, ये तो अभी लगाया था आयरलैंड का टोटल ये हो जाएगा, तो ये तो जीत गए, ठीक है, तो ये है दोस्तों, ठीक है, मैंने लगाया वो आपका प्रूफ दिखा दिया, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अवेलेबल टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।